सबको मेरी आवाज आ रही है, स्क्रीन दिख रहा है? ओके, तो सबसे पहला आज का एजेंडा लिखते हैं, आज का दूसरा सेशन है। तो सबसे पहला आपकी टेस्ट होगी, और मुझे कल के जैसा रिस्पांस नहीं चाहिए, सबको अच्छे आंसर्स देने हैं। मैंने आपको एक दिन दिया था पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद आज का टॉपिक होगा रिटेल टर्मिनोलॉजीज, तो इसमें अलग अलग टर्म्स देखेंगे हम लोग, ठीक है? तो हम लोग अपनी एग्जाम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो सबको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे अच्छे मार्क्स लाने हैं हम लोगों को। ठीक है, टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बताओ मुझे, रिटेल क्या होता है? रिटेल के बारे में बताओ मुझे, और आंसर सबको देना है, कल जैसा नहीं चलेगा। सब नोट्स मैंने आपको दिए थे, बताओ। आंसर नहीं दे रहे तो मैं आपको सर लोगों को बोलूंगा, इनके रिजेक्ट करो, ये पढ़ाई नहीं करते, मेहनत नहीं करते। बताओ रिटेल क्या है? प्रोसेस ऑफ सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेस, ओके, इन स्मॉल क्वांटिटी, ओके। दूसरा क्वेश्चन है, रिटेल के प्रोसेस में कितने रिटेल फॉर्मेट है? रिटेल के प्रोसेस क्या है? रिटेल का प्रोसेस क्या है? सेकंड क्वेश्चन, रिटेल का प्रोसेस क्या है? रिटेल का प्रोसेस कौन बताएगा? तीन फॉर्मेट है, ओके, तीन फॉर्मेट के नाम बताओ। इंडिपेंडेंट सेलर, ओके, एम्प्लॉयर इंडिपेंडेंट रिटेलर, चेन सेलर, ओके, और एक फॉर्मेट है, फ्रेंचाइजी, ओके, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, अच्छा, रिटेलर्स क्या-क्या काम करते हैं? कोई भी तीन चीजें बताओ जो रिटेलर्स करते हैं। रिटेलर्स क्या क्या काम करते हैं, वो तीन चीजें बताओ। रिटेलर क्या क्या काम करते हैं, पढ़ा क्या नहीं पढ़ा? रिटेलर्स के फंक्शन क्या क्या है? आंसर नहीं आ रहा है, ओके, आया आंसर, बाइंग ब्रेकिंग डाउन गुड्स, बाद में और क्या करते हैं? एक ही फंक्शन आ रहा है, प्रोडक्ट प्रमोशन और मेंटेनिंग स्टॉक, और दो बताओ, फिर से एक ही आंसर मत दो बार बार, अलग अलग आंसर दो। ट्रांसपोर्ट और वो हो गया, आगे ठीक है। कम्युनिकेशन के चार मोड बताओ, किस तरह कम्युनिकेट किया जाता है प्रोडक्ट को? बताओ, एसएमएस, यस, आगे,
टीवी एड्स आगे, और दो बताओ मोबाइल्स आगे, माउथ पब्लिसिटी, ओके इंटरनेट, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्लासिफिकेशन ऑफ, ये करो मुझे रिटेलर्स के दो क्लासिफिकेशन बताओ ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन बताओ। ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या क्लासिफिकेशन है, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। फंटास्टिक आंसर। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या रहता है, ऑर्गेनाइज का मतलब क्या रहता है, इनफॉर्मल मतलब उसका डेफिनेशन क्या है, इनफॉर्मल वो उसका दूसरा नाम है, डेफिनेशन चाहिए। मर्केंटाइजिंग सब जगह कैरियर किया जाता है, ऑर्गेनाइज हो या अनऑर्गेनाइज हो, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में डिफरेंस क्या है। इसको नहीं आ रहा है, दोनों का डिफरेंस। लाइसेंस कौन रहता है, अनऑर्गेनाइज रहता है। लाइसेंस वाला कौन है, ऑर्गेनाइज के अनऑर्गेनाइज। क्या हो गया, वाई दिस चैट, आई कैंट गेट इट विदाउट गोइंग ऑन हियर, प्लीज एक्सप्लेन। ये क्या है, वाई दिस चैट, ओके okay. तो ऑर्गेनाइज मतलब लाइसेंस वाला रहता है, अनऑर्गेनाइज मतलब क्या रहता है। अच्छा पूछ रही है क्या हो रहा है इधर, ओके ये अपना एग्जाम हो रहा है, जो भी हम लोग पिछले लेक्चर में करते हैं उसका एग्जाम होता है उसके नेक्स्ट दिन, तो कल जो हम लोग ने पढ़ा उसका अभी एग्जाम हो रहा है, ठीक है। ऑर्गेनाइज लाइसेंस वाला रहता है, अनऑर्गेनाइज वाला क्या रहता है, वो आर रजिस्टर फॉर सेल्स टैक्स एंड अदर टैक्स। ये कौन है, ऑर्गेनाइज, ये ऑर्गेनाइज है, अनऑर्गेनाइज कौन है, प्लीज लेफ्ट मत करना। अनऑर्गेनाइज कौन रहते हैं, आंसर नहीं आ रहा है, ऑर्गेनाइज कौन रहते हैं, ये अनलाइसेंस, जिनके पास लाइसेंस नहीं रहता, ठीक है। उसके बाद अच्छा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप बताओ, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप बताओ। बताओ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्टोर बेस, दूसरा नॉन स्टोर बेस। अच्छा स्टोर बेस मतलब क्या, स्टोर बेस मतलब जिधर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, मैं मीनिंग पूछ रहा हूँ। स्टोर जिधर जगह रहती है, स्टोर्स मतलब अपनी जगह यूज कर रहा है सेल करने के लिए। अच्छा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, स्टोर बेस के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। फिजिकल स्टोर हो गया, और एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ।
क्या है, हेलो सर, आई कैन सी ओनली दैट टाइप ऑफ पिक्चर ऑफ माई स्क्रीन। चैट बॉक्स नहीं दिख, चैट बॉक्स दिख रहा है ना? इधर आई कांट गेट व्हाट इज गोइंग ऑन। एग्जाम, अपना एग्जाम चल रहा है, कल का जो हम लोग ने सेशन लिया ना, उसका एग्जाम चल रहा है। तो इधर क्या है, कस्टमर कैन नेगोशिएट प्राइस और ओनरशिप बेस। ठीक है, नॉन स्टेयर्स मतलब क्या है? एग्जाम इज गोइंग ऑन। आवाज नहीं आ रही मेरी? मैसेज डाला है मैंने, एग्जाम इज गोइंग ऑन। ओके, अच्छा, तो ओनरशिप बेसिस है। अरे ये क्वेश्चन मैंने पूछा किधर है? डायरेक्टली एडवांस में आंसर दे रहे हो। ओके ठीक है, तो नॉन स्टोर्स बताओ, नॉन स्टोर्स वाला क्या है, मीनिंग क्या है नॉन स्टोर्स का मतलब? नॉन स्टोर का मतलब वर्चुअल स्टोर्स। बेसिक ये बताओ ना, ऑनलाइन सेल्स बेसिक उसका डेफिनेशन है, उसके पास स्पेस नहीं होता, और स्टोर्स वाले के पास स्पेस होता है गुड्स बेचने के लिए, उसके पास स्पेस नहीं होता, ये एक्चुअल आंसर है। उसके दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, ऑनलाइन सेल्स और मौत, पब्लिसिटी, कैटलॉग, डिटेल, टीवी रिटेल। ठीक है, प्लीज सब लोग म्यूट हो जाओ। फिर अगला क्वेश्चन है, रिटेल के तीन फॉर्मेट बताओ, रिटेल के तीन फॉर्मेट। ध्यान में है, रिटेल के तीन फॉर्मेट, डिपार्टमेंटल स्टोर्स बाद में, और दो बताओ। स्मॉल लोकल रिटेलर और स्पेशलिटी स्टोर्स। ठीक है, फिर इंडिया में कौन से टाइप के दो रिटेल है, इंडिया में कौन से दो टाइप के रिटेल है? इंडिया में कौन से दो टाइप के रिटेल है? वीकली मेलास। और एक टाइप क्या है, और एक टाइप क्या है?
मंडे से, ठीक है। तो ये मॉड्यूल अपना ख़त्म हो गया, आज अच्छा परफॉर्मेंस दिया आपने, ऐसे ही कंटिन्यू करो, अच्छा लगता है। फिर दूसरा है सेल्स एसोसिएट चालू करते हैं। सबसे पहले बताओ सेल्स एसोसिएट का मीनिंग क्या है? सेल्स एसोसिएट का मीनिंग कोई नहीं बता रहे, सेल्स एसोसिएट का मीनिंग क्या है? सिर्फ एक ही चैप्टर किया था क्या, दूसरा नहीं किया? आंसर कोई दे नहीं रहा है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बाइंग नहीं, ये बाइंग नहीं करता, सिर्फ सेल करता है, सेलिंग करने का काम करता है, ठीक है। और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, सेल्स एसोसिएट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है? सेल्स एसोसिएट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है? प्रोडक्ट डिस्प्ले, गिव द बेस्ट गुड क्वालिटी, आगे और दो चीजें बताओ। और क्या है, और दो रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ। ये दूसरा चैप्टर मेरे ख्याल से पढ़ा नहीं बराबर से, पहला चैप्टर ही पढ़ा, दूसरा नहीं पढ़ा। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, देखो मैं बताता हूँ, प्रोडक्ट डिस्प्ले ये बराबर है, स्टोर्स मेंटेनेंस और स्टोर सेल्स ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी मुझे बताओ इसका काम क्या क्या रहता है, सेल्स एसोसिएट्स का काम क्या क्या रहता है? स्टोर्स एसोसिएट का काम क्या क्या रहता है? स्टोर्स मेंटेनेंस और क्या काम है, एक तीन चार पॉइंट बताओ। ये सेल्स एसोसिएट्स के बारे में पूछा जाएगा, बहुत पूछा जाएगा, क्योंकि आपका ये बेसिक आपका काम है, तो इसके बारे में आप कम पढ़ोगे तो कैसे सिलेक्ट हो जाओगे? ये आपका काम ही है स्टोर्स एसोसिएट्स का, तो आपको इसका अच्छा नॉलेज होना चाहिए। प्लीज जरा म्यूट हो जाओ, ऑपरेटिंग कैश बाद में आगे। ऑपरेटिंग कैश फिर क्या है? इसके बारे में आपने प्रॉपर पढ़ा नहीं है। मैनेजिंग फाइनेंशियल और क्या है, ठीक है, आप थोड़ा सा सेकंड टॉपिक में कम पड़ गए, तो हम लोग अभी क्या करते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का, इन्वेंट ये टर्मिनोलॉजीज का, ठीक है। तो
प्लीज़ सब लोग म्यूट हो जाओ, जो भी आपको बोलने का रहेगा चैट बॉक्स पे लिखो। और मैंने सबको नोट्स भेजा है, तो नोट्स पे अगर स्क्रीन नहीं दिख रहा है बाय चांस, तो नोट्स में सब कुछ है। तो स्क्रीन सबको दिख रहा है, सब लोग चैट बॉक्स में आंसर बताओ। स्क्रीन सबको दिख रहा है ना, आवाज क्लियर आ रही है? तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, रिटेल टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, तो नोट्स भी आप ओपन करके रखो, अगर स्क्रीन दिख नहीं रहा है तो उसमें सब लिखा है रिटेल टर्मिनोलॉजीज। तो इसमें सबसे स्टार्टिंग में है, ये है आइसले। आइसले क्या होता है कि जो दो साइड के रैक्स रखे हुए हैं उसके बीच में एक एरो निकालते हैं ताकि कस्टमर्स उससे जाए, तो ये दो रैक्स के बीच में रखा जाता है जिसको बोलते हैं आइसले। प्लीज़ सब लोग अनम्यूट हो जाओ, डिस्टर्बेंस अगर कुछ आपको पूछने का रहेगा तो चैट बॉक्स में पूछो, प्लीज़ सब लोग अनम्यूट हो जाओ। तो ये आइसले है, पैसेज बिटवीन फिक्चर्स, दो फिक्चर्स के बीच में जाने वाला एरो, इसको बोलते हैं आइसले। फिर अगला है पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, POS टर्मिनल। तो ये जो जगह है जिधर बिलिंग और पैसे मिलते हैं अपने को, पैसे का प्रोसेसिंग होता है। POS मीन्स पॉइंट ऑफ सेल्स, रेफर्स टू प्लेस वेयर बिलिंग एंड पेमेंट इज प्रोसेस। प्लीज़ किसका आवाज़ आ रहा है वो, प्लीज़ थोड़ा अनम्यूट हो जाओ, डिस्टर्ब हो रहा है। किसका आवाज आ रहा है, अनम्यूट हो गए क्या? राहुल शेरे अनम्यूट हो जाओ, रोशन डुकले अनम्यूट हो जाओ, आवाज से डिस्टर्बेंस हो रहा है। सब लोग हो गए क्या अनम्यूट? और भी आवाज आ रही है, रोशन अनम्यूट करो, रोशन अनम्यूट कर स्वतःला। मुझे टोटल पिन ड्रॉप साइलेंट चाहिए, पूछना रहेगा तो चैट पे पूछो। तो मैं आपको बता रहा था पॉइंट ऑफ सेल्स के बारे में। तो पॉइंट ऑफ सेल्स वो जगह है जिधर बिलिंग होता है, तो रेफर्स टू प्लेस वेयर बिलिंग एंड पेमेंट इज प्रोसेस्ड। उसके बाद कस्टमर सर्विस डेस्क, तो इधर कंप्लेंट्स वगैरह लिया जाता है, प्लेस वेयर कस्टमर्स कंप्लेंट क्वेरीज एंड फीडबैक्स आर हैंडल्ड इन रिटेल स्टोर्स। जिधर कंप्लेंट ली जाती है वो जगह को बोलते हैं कस्टमर सर्विस डेस्क। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्टोर एग्जिट, जिधर से हम लोग बाहर निकलते हैं, एरिया वेयर कस्टमर लीव द स्टोर, जिधर से हम लोग बाहर निकलते हैं। इन रिटेल कस्टमर स्टोर, प्लीज़ अनम्यूट हो जाओ, रिटेल कस्टमर, रिटेल में एंट्री अलग जगह रहती है और एक्सिट अलग जगह रहती है, जिधर से एंटर करते हैं उधर से एग्जिट नहीं होती। फिर फिक्चर्स, फिक्चर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला शेल्फ, अभी ये रैक है,
तो ये टाइप ऑफ पिक्चर है वेयर प्रोडक्ट्स आर डिस्प्लेड, जिधर प्रोडक्ट रखे जाते हैं उसको बोलते हैं शेल्फ। स्क्रीन चला गया। प्लीज अनम्यूट हो जाओ सब लोग। इसका आवाज आ रहा है, अनम्यूट करो। प्राजक्ता अनम्यूट कर। प्राजक्ता प्लीज अनम्यूट। ओके स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको शेल्फ के बारे में बता रहा था कि शेल्फ जिधर प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं बेचने के लिए, उसके बाद नेक्स्ट है बे। बे ये एरिया है जिधर वॉल्स पे चिपकाया जाता है, जो शेल्फ वॉल पे चिपकाए जाते हैं उनको बे बोलते हैं। बे ऑफ शेल्फ्स फॉर स्टैकिंग एंड डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट, और उसको एक नंबर दिया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय नंबर कॉल्ड पे नंबर। फिर नेक्स्ट है, अभी जिसके ऊपर टीवीज वगैरह रखे जाते हैं उनको बोलते हैं वॉल रैक। बेस प्लेस विच आर प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल, जो वॉल के ऊपर चिपटाए जाते हैं, जिसके ऊपर टीवी रखे जाते हैं उनको बोलते हैं वॉल रैक। फिर गोंडोला, अभी ये गोंडोला बीच में रखा जाता है, सेट ऑफ बेस बैक टू बैक प्लेस्ड ऑन मिड फोर। और जो मैंने पहले बताया था बे, बे वो वॉल पे चिपटाया जाता है और गोंडोला बीच में रहता है। फिर एंड कैप, एंड कैप गोंडोला के एंड में रहता है, बे एट द एंड ऑफ द गोंडोला। फिर प्लानोग्राम, ये एक डायग्राम है जो आपको बताता है कि कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है। प्लानोग्राम इज अ डायग्राम और मॉडल दैट इंडिकेट्स द प्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन शेल्फ इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज सेल्स, कि कौन सा प्रोडक्ट किधर रखना है ये आपको बताता है ताकि सेल्स इंक्रीज हो जाए। तो प्लानोग्राम डिफाइंस द लोकेशन एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, किधर कितना प्रोडक्ट्स रखा है ये प्लानोग्राम बताता है। फिर टॉप टॉप, अभी ये टॉप टॉप क्या है, जो बे में मैंने बताया उसका सबसे ऊपर का जो शेल्फ है उसको टॉप टॉप बोलते हैं,
और उधर गुड्स डिस्प्ले करने के लिए नहीं रखते। जो गुड्स अगर ज़्यादा रहेंगे तो उधर रखा जाता है, ताकि जिधर कम पड़ जाए उधर से गुड्स लेके फिर उधर से वो भर देते हैं। टॉप मोस्ट शेल्फ ऑफ अ बे विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ रेगुलर प्लानोग्राम, जिसमें गुड्स डिस्प्ले के लिए नहीं रखे जाते। प्लेस वेयर एक्सेस स्टॉक इज टू बी केप्ट, जिधर अगर ज़्यादा स्टॉक रहेगा तो उधर रखने का। स्टॉक टू बी अरेंज एज पर डिस्प्ले गाइडलाइंस ओनली, तो स्टॉक अपने को अरेंज करना है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार अपने को स्टॉक को अरेंज करना है। फिर फ्रीजर्स एंड चीलर्स, ये फ्रीज रहते हैं जिधर हम लोग स्टॉक रखते हैं। फॉर एग्जांपल पहला है फ्रूट एंड वेजिटेबल, फिर दूसरा है फ्रीज़र, तीसरा जो ब्यूरेज चीलर है सॉफ्ट ड्रिंक्स रखने के लिए। फिर मल्टी लोकेशन प्रोडक्ट, तो जो प्रोडक्ट एक से ज़्यादा लोकेशन पे रखा जाता है उनको बोलते हैं मल्टी लोकेशन प्रोडक्ट। अ प्रोडक्ट दैट इज डिस्प्लेड एट मोर देन वन लोकेशन ऑन द सेल्स फ्लोर। तो एग्जांपल दिया है कि जो रिलायंस सिलेक्ट प्रोडक्ट है विच इज़ साइमल्टेनियसली स्टैक्ड इन मल्टीपल लोकेशन सच एज ऑन द शेल्फ, वो शेल्फ पे है, फिर ऑन द एंड कैप पे है, फिर इन द बीन, बीन मतलब वेयर हाउस, तो वेयर हाउस को है। तो ये रिलायंस सिलेक्ट प्रोडक्ट आपको तीन जगह मिल जाएगा, तो ये है मल्टीपल लोकेशन प्रोडक्ट। फिर दूसरे फिक्चर्स, ये एफ एंड वी लॉन्गर है जिसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल रखे जाते हैं। फिर ये हीपर है, इधर कांदा बटाटा रखा है। उसके बाद लॉन्गर्स, ये स्मार्ट स्टोर्स में देखने को मिलते हैं। फिर बनाना रैक, इधर केला रखा है। फिर ये पावर विंग है, फिर ऐसे एक स्ट्रिप पे लगाते हैं, इम्पल्स बे है। उसके बाद प्रोडक्ट रिलेटेड टर्म्स, प्रोडक्ट्स के रिलेटेड क्या क्या टर्म्स हैं। अभी सबसे पहला ये इम्पॉर्टेंट है, SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट। अभी जो प्रोडक्ट स्टोर्स में बेचे जाते हैं उनको SKU बोलते हैं। अभी ये टेटले कंपनी है, उनका एक प्रोडक्ट है, तो उनका अगर क्वांटिटी अलग रहेगा तो 200 ग्राम का एक SKU होता है, 150 ग्राम का एक SKU होता है और एक 50 ग्राम का एक SKU होता है। तो अगर उनकी क्वांटिटी अलग है तो एक ये SKU माना जाता है, स्टॉक कीपिंग यूनिट्स। फिर मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो ये वो प्राइस है जिसके ऊपर रिटेल में बेचा नहीं जाता। अभी इधर 10 रुपया दिखा है, तो ये 10 रुपये के ऊपर सेल किया नहीं जाएगा। अ मैक्सिमम रिटेल प्राइस इज अ मैन्युफैक्चरर कैलकुलेट प्राइस दैट इज़ द हाइस्ट प्राइस दैट कैन बी चार्ज फॉर अ प्रोडक्ट सोल्ड, तो ये सबसे ज़्यादा प्राइस है जिससे ये प्रोडक्ट बेचा जाएगा। MRP मीन्स सच प्राइस एट विच द प्रोडक्ट शॉल्ड बी सोल्ड इन रिटेल एंड सच प्राइस शुड इंक्लूड ऑल टैक्स लेविड ऑन द प्रोडक्ट, तो ये प्राइस है जिसमें ये प्रोडक्ट बेचा जाएगा और उसमें सभी टैक्सेस इंक्लूड है। फिर लेबलिंग, जो लेबल प्रोडक्ट के ऊपर लगाते हैं उसको लेबलिंग बोलते हैं। लेबर दैट आर अप्लाइड टू प्रोडक्ट्स एंड कैरी द आइडेंटिफाइंग, तो उसके आइडेंटिफिकेशन लिखा रहता है, उसका नाम लिखा रहता है, उसकी प्राइस रहती है। रिटेल लेबर्स आर यूजुअली प्रिंटेड, ये प्रिंटेड होते हैं अल्फा नंबरिक, उसमें कुछ नंबर्स रहते हैं, बारकोड्स रहते हैं। तो बारकोड्स का फ़ायदा क्या रहता है कि बारकोड्स के वजह से हम जब स्कैन करते हैं तो ऑटोमेटिकली प्राइस आ जाती है, तो बिल बनाने के लिए बारकोड यूजफुल रहता है। फिर मर्कंडाइज, तो मर्कंडाइज का मतलब रहता है गुड्स जो सेल के लिए रखे हुए हैं। तो इधर क्या लिखा है, एट अ रिटेल इन रिटेल स्टोर इन स्टोर लेवल मर्कंडाइज रेफर्स टू अ वराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल फॉर सेल, तो जो भी प्रोडक्ट सेल के लिए रखे हुए हैं और उसके साथ उसका डिस्प्ले भी इंक्लूडेड है, एंड द डिस्प्ले ऑफ दोज प्रोडक्ट इन सच अ वे दैट इट स्टिमुलेट्स इंटरेस्ट एंड एंटाइसेस कस्टमर टू मेक अ परचेस, तो वो इंटरेस्ट क्रिएट करता है और कस्टमर्स को कन्विंस करता है कि ये प्रोडक्ट परचेस करो। अभी अपने को ये शर्ट्स वगैरह दिख रहे तो अपने को लग रहा है कि ये जाके परचेस करे, तो इसको बोलते हैं मर्कंडाइज करना, मतलब जिससे कस्टमर्स लोग कन्विंस हो जाते हैं, वो डिस्प्ले और ये गुड्स ये पूरा मिला के मर्कंडाइज बोलते हैं। फिर कैटेगरी, कैटेगरी मतलब एक टाइप का गुड्स एक जगह रखना। अभी इधर देखेंगे तो इधर ऑयल रखा हुआ है,
सब ऑयल की वराइटीज़ है। तो ये क्या है, कैटेगरी है। तो अ कैटेगरी इज़ अ ग्रुपिंग ऑफ एस के यू एज पर द यूसेज ऑफ द प्रोडक्ट। तो एग्जाम्पल क्या है, फूड एंड वेजिटेबल। जो फूड एंड वेजिटेबल हम लोग एक जगह रखते हैं, जो नॉन फूड है वो एक जगह रखते हैं, फिर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है वो एक जगह रखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कैटेगरी। फिर क्रॉस मर्कंडाइजिंग, तो ये मैंने कल बोला था, क्रॉस मर्कंडाइजिंग मतलब एक गुड्स के साथ दूसरा गुड्स बेचना। दिस रेफर्स टू रिटेल प्रैक्टिस ऑफ डिस्प्लेइंग गुड्स फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज टुगेदर। तो अलग अलग वराइटीज़ के गुड्स इकट्ठा रखने के, टू क्रिएट एड ऑन सेल, जिससे अपना सेल्स बढ़ेगा। वी हैव सीन दिस इन ग्रॉसरी स्टोर्स दैट पुट सोडा चिप्स एंड डिप। डिप मतलब सॉस। तो सोडा चिप्स और सॉस को इकट्ठा रखा जाता है, एंड ऑल द अदर फूड यू नीड फॉर अ बारबेक्यू। बारबेक्यू मतलब हम लोग जब पिकनिक को जाते हैं तो फूड हम लोग खुद बनाते हैं ना, तो खाना अगर हम लोग खुद आग वगैरह लगा के बना रहे तो उसको बारबेक्यू बोलते हैं। इन द ओपन एरिया ड्यूरिंग द समर इट इज़ ऑल्सो नोन एज एड ऑन सेल्स। उसको और क्या वर्ड है, एड ऑन सेल्स, इंक्रीमेंटल परचेस और सेकेंडरी प्रोडक्ट प्लेसमेंट। उसके बाद है बेस्ट बिफोर डेट, तो ये एक्सपायरी डेट है जिससे पहले अपने को ये प्रोडक्ट यूज़ करना है। और ये स्टोर्स के लिए क्या रहता है कि उसके बाद ये डिस्प्ले नहीं करना है और कस्टमर्स को बेचना भी नहीं है। तो इधर क्या लिखा है, डेट आफ्टर विच प्रोडक्ट शुड नॉट बी डिस्प्लेड और सोल्ड टू कस्टमर्स, मतलब जिस डेट के बाद ये प्रोडक्ट हम लोग बेच नहीं सकते और कस्टमर्स को दिखा भी नहीं सकते। फिर बारकोड, अभी ये बारकोड का मतलब है EAN, यूरोपियन आर्टिकल नंबर। तो ये सफ़ेद और काले लाइंस होते हैं, स्मॉल ब्लैक एंड वाइट लाइंस ऑन अ प्रोडक्ट और पैकेज, यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। तो ये स्कैन करके आइडेंटिफाई करता है ये कौन सा प्रोडक्ट है, और वो हिसाब से प्राइस और उसका नाम आ जाता है बिलिंग के ऊपर। फिर चिल्ड एंड फ्रोजन प्रोडक्ट्स, तो ये प्रोडक्ट्स फ्रीज में रखे जाते हैं, उनको चिल्ड और फ्रोजन प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो फ्रोजन प्रोडक्ट्स क्या है, जो 0 डिग्रीज के नीचे रहते हैं, जैसे आइसक्रीम है, फ्रोजन पीज है, तो ये सब 0 डिग्रीज के नीचे अपने को रखना पड़ता है। प्रोडक्ट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड एट अ टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री, 0 डिग्री से नीचे जो रखा जाता है उनको बोलते हैं फ्रोजन प्रोडक्ट। आइसक्रीम, फ्रोजन पीज, ये सब फ्रोजन प्रोडक्ट है। बाद में जिनको 2 से 8 के डिग्री के बीच में रखा जाता है उनको बोलते हैं चिल्ड प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टोर्ड एट टेम्परेचर बिटवीन 2 to 8 degrees सेंटीग्रेड आर नोन एज चिल्ड प्रोडक्ट, जिनको हम लोग 2 से 8 degrees के बीच में रखते हैं। ठीक है, जैसे मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स है, तो ये सब क्या है, चिल्ड प्रोडक्ट्स है। फिर फ्रेगाइल प्रोडक्ट्स, जो डेलिकेट होते हैं, डेलिकेट प्रोडक्ट को फ्रेगाइल प्रोडक्ट बोलते हैं, जिनको अपने को केयर से हैंडल करना है, जो आसानी से टूट सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, और उनके ऊपर पैकेज पे लिखा जाता है हैंडल विथ केयर, दिस साइड अप, इधर से उठाओ। उसमें एग्जाम्पल क्या क्या है, पोर्सेलन प्लेट्स, मतलब चाइना के लेके जो प्लेट्स रहते हैं वो पोर्सेलन प्लेट्स है, ग्लास आइटम है, शो पीस, ये सब क्या है, फ्रेगाइल प्रोडक्ट्स, मतलब डेलिकेट प्रोडक्ट्स। उसके बाद एम्बिएंट प्रोडक्ट्स, अभी ये जो एम्बिएंट प्रोडक्ट्स है ये किसी भी टेम्परेचर में रखे जाते हैं, उनको ज़रूरी नहीं कि इतना ही टेम्परेचर चाहिए, जो हम लोग बोलते हैं रूम टेम्परेचर, उसमें भी ये रखे जाते हैं। एम्बिएंट प्रोडक्ट रेफर्स टू प्रोडक्ट्स दैट नीड नॉट बी स्टोर्ड एट एनी स्पेसिफिक टेम्परेचर, अगर रूम में भी रखेंगे तो भी चलेगा। इन अदर वर्ड्स दे आर स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर, उसका एग्जाम्पल है रीस, वाइस, पल्सेस, डाल, मिल्क टेरा पैक, एक स्पेशल टाइप का मिल्क रहता है जो अमूल देती है, तो ये सब हम लोग कौन से भी टेम्परेचर में रख सकते हैं। फिर फेसिंग, तो एक प्रोडक्ट हम लोग कितने बार कस्टमर को दिखा रहे, स्क्रीन गया, ठीक है, ला रहा हूँ, अब नोट्स चालू रखो, स्क्रीन लेके आता हूँ मैं।
आया क्या स्क्रीन? ठीक है, आगे बढ़े। तो ओके, फेसिंग मतलब एक प्रोडक्ट हम लोग लोगों को कितने बार दिखा रहे। अभी देखो उधर एक प्रोडक्ट वो तीन बार बता रहे, तो क्या हो गया? थ्री फेसिंग हो गया। नंबर ऑफ टाइम्स अ प्रोडक्ट इज अरेंज साइड बाय साइड अक्रॉस ए डिस्प्ले एरिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वर्टिकल। वर्टिकल मतलब ऊपर, एक के ऊपर एक रखना। प्लेसिंग प्रोडक्ट्स वन अबव द अनदर इज कॉल्ड वर्टिकल। फिर डेप्थ। डेप्थ मतलब एक के पीछे कितने रखे हुए। डेप्थ रेफर्स टू नंबर ऑफ पैक्स प्लेस वन बिहाइंड अनदर। फिर मिनिमम बेस क्वांटिटी मतलब कितना, कम से कम कितना स्टॉक अपने स्टोर्स पे होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं मिनिमम बेस क्वांटिटी, ऑल्सो नोन एज बेस स्टॉक। रेफर्स टू अ मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक द रिटेलर प्लान्स टू कैरी इन अ स्टोर्स। तो मिनिमम कितना स्टॉक होना चाहिए अपने गोडाउन में, तो उसको बोलते हैं मिनिमम बेस स्टॉक। दिस इंक्लूड्स मिनिमम डिस्प्ले स्टॉक, तो उसमें मिनिमम डिस्प्ले स्टॉक भी शामिल है। तो मिनिमम डिस्प्ले स्टॉक मतलब कितना मिनिमम अपने को लोगों को डिस्प्ले करना है, ये मिनिमम बेस स्टॉक है। और जो गोडाउन में रखा जाता है वो बैकअप स्टॉक है, इफ देर इज अ स्टोरेज सेक्शन इन द स्टोर। द बेस स्टॉक फिगर्स आर फ्लेक्सिबल एंड मे चेंज बेसिस द ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। तो ये फ्लेक्सिबल फिगर्स रहते हैं और इनका अमाउंट्स हम लोग बदल सकते हैं उनके सीजन के हिसाब से। फिर अगला है मिनिमम डिस्प्ले क्वांटिटी, मतलब कितना लोगों को दिखाना है, कितना मिनिमम स्टॉक अपने को लोगों को दिखाना है। मिनिमम डिस्प्ले क्वांटिटी रिफर्स टू मिनिमम स्टॉक द रिटेलर मस्ट हैव ऑन अ डिस्प्ले एट एनी पॉइंट। कितना मिनिमम स्टॉक अपने को रखना है ताकि हम लोगों को दिखाई दे सके। दिस इज डिटरमाइंड बाय द एरिया विच हैज़ बीन एलोकेटेड टू द कैटेगरी। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, कितना एरिया हम लोगों ने उस कैटेगरी को दिया है और कितना वैरायटी उसका रखना है, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। एक 5 मिनट ब्रेक लेते हैं, थोड़ा आप देख के लो, 11 बजे हम लोग स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अभी डिस्प्ले रिलेटेड टर्म्स, डिस्प्ले में क्या क्या यूज़ करते हैं, तो सबसे पहला ये लेबल, सेल्फ शेल्फ एज लेबल, मतलब ये लेबल है जो हम लोग शेल्फ के एंड में लगाते हैं। सेल इज अ लेबल प्लेस ऑन द शेल्फ, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट, के प्रोडक्ट के बारे में अपने को बताती है। बहुत सारे लेफ्ट हो गए क्या, लेफ्ट मत हो जाओ। तो ये प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन बताती है, उसका नाम क्या है, उसकी प्राइस क्या है, MRP तो हम लोग ने पढ़ा है, RRP रिकमेंडेड रिटेल प्राइस, ये नोट्स में आपको सब फुल फॉर्म मिल जाएंगे। बारकोड रहता है, प्राइस रहती है, डेट ऑफ सेल, ये कब बनाया सेल, प्रिंटिंग, बाद में POG, प्लानोग्राम, लोकेशन रहता है ये गुड्स का, तो ये सब इसमें रहते हैं। फिर अगला, ये तो शेल्फ ही है, प्रोमो सेल्फ। उसके बाद सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन मतलब उसके ऊपर ऑफर लिखा जाता है कि क्या ऑफर चल रहा है, कि 2% डिस्काउंट लो या 2 के ऊपर 3 फ्री लो, तो इसके ऊपर जो ऑफर्स लिखा रहता है उसको सेल्स प्रमोशन बोलते हैं। सेल्स प्रमोशन इंक्लूड सेवरल कम्युनिकेशन एक्टिविटीज दैट अटेम्प्ट टू प्रोवाइड एडेड वैल्यूज और इंसेंटिव टू कंज्यूमर, होलसेलर, रिटेलर और अदर ऑर्गेनाइजेशनल कस्टमर्स टू स्टिमुलेट इमीडिएट सेल, जिससे सेल्स इमीडिएट होता है उसको बोलते हैं सेल्स प्रमोशन। फिर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब जो गुड स्टॉक किया गया है उसको इन्वेंट्री बोलते हैं, तो वो कौन से भी टाइप की हो सकती है, रिटेल, लग्जरी, ग्रॉसरी। डिस्प्लेड इन अ रिटेल स्टोर, इट इज़ अ फिजिकल स्टॉक ऑफ गुड्स आइटम दैट रिटेलर कीप इन अ स्टोर्स इंक्लूडिंग रिजर्व, उसमें रिजर्व भी इंक्लूडेड है, फॉर सेलिंग टू कस्टमर वेन दे कम टू शॉप। तो ये स्टॉक रखा जाता है कस्टमर्स को बेचने के लिए, जब भी आते हैं तो उसके बाद उनको बेचा जाता है। फिर अगला है स्टॉक रिप्लेनिशमेंट। अभी ये थोड़ा वर्ड हार्ड है, रिप्लेनिशमेंट मतलब स्टॉक जब खत्म हो गया रहेगा तो उस जगह को भरना, मतलब स्टॉक रिप्लेनिशमेंट। तो द स्टॉक रिप्लेनिशमेंट इज एन ऑपरेशन दैट कंसिस्ट इन मेकिंग द स्टॉक फुल अगेन, तो जो जगह खाली है उधर स्टॉक भर देना, इन ऑर्डर टू अवॉइड स्टॉक आउट, तो इसका पर्पज़ क्या है, स्टॉक आउट अवॉइड करना। स्टॉक रिप्लेनिशमेंट इज अ स्टैंडर्ड रिटेल प्रैक्टिस टू इंश्योर दैट द राइट प्रोडक्ट्स आर इन अ बेस्ट प्लेस एट अ ऑप्टिमम क्वांटिटी, तो राइट प्रोडक्ट राइट जगह पे रखे हुए हैं और जितने चाहिए उतनी ऑप्टिमम कैपेसिटी से मेंटेन किया गया है। फिर नेक्स्ट है रिसीविंग गुड्स। अभी अपने को क्या करना पड़ता है, गुड्स को रिसीव करना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से। अभी ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर क्या है, एक बहुत बड़ा गोडाउन है जिधर गुड्स रखा जाता है उसको डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बोलते हैं। फिर प्रायोरिटी फिल, तो जब गुड्स उतरते हैं तो अपने को कैसे लेके जाने हैं, प्रायोरिटी फिल रिसीविंग एंड स्टैकिंग ऑफ SKU ऑन द प्रायोरिटी बेसिस, तो वाइल रिसीविंग स्टैकिंग प्रायोरिटी इन द मैनर, कैसे लेके जाना है, पहले सबसे पहले चिल्ड और फ्रोजन प्रोडक्ट्स को लेके जाना है क्योंकि वो जल्दी फ्रीज में अपने को रखने हैं। उसके बाद हाई वैल्यू स्टॉक जो कॉस्टली आइटम्स है उनको लेके जाना है, फिर फ्रेगाइल जो ब्रेकेबल रहते हैं उनको लेके जाना है, और जो एम्बियंट है जो कौन से भी टेम्परेचर में रह सकते हैं उनको लास्ट में लेके जाना है। तो ये प्रायोरिटी है, ऐसे हिसाब से अपने को स्टॉकिंग करना है। फिर नाइट फिल, अभी नाइट फिल मतलब क्या रहता है कि त्योहारों के दिनों में अपना स्टोर्स फुल हो जाता है तो अपने को फिलिंग करने का टाइम नहीं रहता, तो हम लोग रात को ही फिल करते हैं। रिसीविंग एंड स्टैकिंग एक्टिविटीज परफॉर्म एट नाइट इज कॉल्ड नाइट फिल, दिस इज डन टू इंश्योर दैट स्टोर इज रेडी फॉर द ट्रेड इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में हम लोग रेडी है सेल करने के लिए, तो इसके लिए नाइट फिल किया जाता है। फिर स्पॉट फिल, स्पॉट फिल मतलब हम लोग को जब दिखता है कि गुड्स ख़त्म हो गए तो उसी टाइम हम लोग स्पॉट फिल करते हैं। रिफिलिंग शेल्फ विथ प्रोडक्ट वेन इट इज स्पॉटेड पार्टली एम्प्टी, जब अपने को दिखता है कि ये शेल्फ खाली है
तो हम लोग उस शेल्फ को भर देते हैं ऑन द स्पॉट। फिर डेट रोटेशन, अभी ये डेट रोटेशन हम लोग ने एक्सपायरी डेट के बारे में पढ़ा है कि एक्सपायरी डेट क्या है, कि इस दिन के बाद आपको ये प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है। तो डेट रोटेशन मतलब क्या है, जिसका एक्सपायरी डेट आने वाला है उन प्लीज़ म्यूट हो जाओ, जिनका एक्सपायरी डेट आने वाला है वो पहले रखते हैं और जिनका एक्सपायरी डेट बाद में आने वाला है वो पीछे रखते हैं हम लोग। अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग प्रोडक्ट सच दैट SKU विथ लॉन्गर एक्सपायरी डेट आर प्लेस टूवर्ड्स बैक, जिसकी डेट अभी दूर है आने वाली तो उसको पीछे रखा जाता है। SKU विथ शॉर्टर एक्सपायरी डेट आर प्लेस टूवर्ड्स फ्रंट, तो जिसकी डेट आने वाली है उसको आगे रखा जाता है। तो आप ध्यान में रखो, जब भी आप प्रोडक्ट्स लोगे तो पीछे वाले प्रोडक्ट्स लो, क्योंकि उनकी डेट बाद में आती है। उसके बाद नेक्स्ट है फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, तो ये वही है कि जो पहला एक्सपायर होने वाला है उसको आपको पहले रखना है और जो बाद में एक्सपायर होने वाला है उसको बाद में रखने वाला है। जैसे कॉमर्स के स्टूडेंट में शायद से फीफो पढ़ा रहेगा, तो उसके जैसा ही फेफो है, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट। अ मेथड वेयर बाय स्टॉक विथ एन अर्लियर डेट आर स्टैक फर्स्ट टूवर्ड्स फ्रंट ऑफ द शेल्फ, तो जो जल्दी एक्सपायरी ख़त्म होने वाली है वो हम लोग सबसे पहले रखते हैं और जिसकी एक्सपायरी बाद में होने वाली है वो बाद में रखते हैं। फिर फीफो, ये तो आपको पता है, जो स्टॉक पहले आता है वो पहले रखा जाता है और वही कस्टमर्स को बेचा जाता है। अ मेथड वेयर बाय स्टॉक रिसीव्ड अर्लियर इज प्रोसेस एंड स्टैक टूवर्ड्स फ्रंट ऑफ द शेल्फ, तो ये आगे रखा जाता है, जो पहले आता है वो आगे रखा जाता है। फिर टॉप स्टैकिंग, मतलब मैंने आपको टॉप बताया था जिसमें गुड्स फिर से स्टोर करने के लिए रखे जाते हैं, तो हम लोग उधर से गुड निकाल के फिर से शेल्फ में डाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं टॉप स्टैकिंग। रिप्लेनिशिंग शेल्फ्स विथ स्टॉक फ्रॉम द टॉप मोस्ट शेल्फ, टॉप से गुड्स को भर रहे तो उसको क्या बोलते हैं, टॉप स्टैकिंग। फिर स्टॉक काउंटिंग, स्टॉक को काउंट करना और उनको सिस्टम के हिसाब से चेक करना, मतलब स्टॉक काउंटिंग। काउंटिंग स्टॉक अवेलेबल इन द स्टोर्स एंड क्रॉस चेकिंग विद स्टॉक एज पर सिस्टम स्टॉक, तो उसको बोलते हैं स्टॉक काउंटिंग। फिर डंप मतलब गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाना। तो अभी ये देखो, ये इधर शक्कर गिरी हुई है, इधर आइसक्रीम गिर गया, तो जिसका रीज़न अपने को मालूम है कि कोई गुड्स अपना लॉस हो रहा है, तो जिसका रीज़न अपने को मालूम है वो है डंप, लॉस ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर विच द कॉस्ट कैन बी ट्रेस्ड, हेंस द कॉस्ट कैन बी अकाउंटेड फॉर। फॉर एग्जांपल ड्रॉप मतलब गिर गया, या जिसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है तो वो डंप कहलाता है। फिर अगला है श्रिंक, तो जिसका रीज़न मालूम नहीं है डिस्ट्रॉयड क्यों हो गया, जैसे चोरी होती है, तो लॉस ऑफ मर्कंडाइज फॉर विच द कॉस्ट कैनॉट बी ट्रेस्ड, हेंस द कॉस्ट कैनॉट बी अकाउंटेड फॉर। फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट, तो चोरी होती है तो अपने को पता नहीं है क्यों गया। उसके बाद डेड स्टॉक, डेड स्टॉक मतलब जो स्टॉक बहुत दिनों से बेचा नहीं गया है उसको बोलते हैं डेड स्टॉक। डेड स्टॉक इज ऑल्सो नोन एज डेड इन्वेंट्री, उसको और एक नाम है डेड इन्वेंट्री। डेड स्टॉक परटेंस टू मर्कंडाइज दैट हैज नेवर बीन सोल्ड और बीन इन स्टॉक फॉर वाइल, और जो बेचा नहीं गया और स्टॉक में ही रहा है। बिकॉज दिस समटाइम्स दिस इज बिकॉज अ पर्टिकुलर आइटम इज जस्ट सीजनल, कभी कभी ऐसा होता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक सीजनल हो सकता है, लेकिन बट अदर टाइम्स इट बिकॉज द प्रोडक्ट सिंपली इजेंट इन डिमांड, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ऐसा होता है कि वो प्रोडक्ट डिमांड में नहीं रहता, इसके लिए बेचा नहीं जाता। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सेफ्टी स्टॉक, हम लोग थोड़ा ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करते हैं ताकि अगर डिमांड ज़्यादा हो गया तो अपने पास स्टॉक रहना चाहिए उनको बेचने के लिए। सेफ्टी स्टॉक इज़ द लेवल ऑफ एक्स्ट्रा यूनिट्स दैट इज़ मेंटेन टू मिटिगेट, मिटिगेट मतलब कम करना, मिटिगेट द रिस्क ऑफ आउट ऑफ स्टॉक ड्यू टू अनसर्टेनिटीज इन डिमांड एंड सप्लाई। तो स्टॉक अपने को हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा रखना चाहिए ताकि कुछ डिमांड एंड सप्लाई का प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए ये हेल्पफुल होता है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस है मार्कडाउन प्रोसेस,
मार्कडाउन प्रोसेस मतलब जो स्टॉक बेचा हम लोग कम भाव में बेच रहे, डिस्काउंट में बेच रहे, सेलिंग एक्सेस मर्केंडाइज विद नो सिग्निफिकेंट क्वालिटी इश्यू एट रिड्यूस प्राइस। तो हम लोग डिस्काउंट में जो खराब माल बेच रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्कडाउन प्रोसेस। फिर डंपिंग, डंपिंग मतलब जो गुड्स सेल के लायक नहीं है वो हम लोग बाजू में निकालते हैं या फेंक देते हैं, उसको बोलते हैं डंपिंग। फिर क्लीन्स एज यू गो, तो अगर आपको किधर कचरा दिख रहा है तो आपको हाउसकीपिंग वालों को बुलाने का है और उनसे साफ करा के लेने का है। आपको डर्ट दिखेगा, स्पिल मतलब कोई लिक्विड दिखेगा, किसी का कुछ भूल गया वो दिखेगा, तो आपको साफ करके लेना है। फिर RFID, तो ये RFID क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो ये क्या करता है, जो जो प्रोडक्ट्स है उनको टैग्स लगाए जाते हैं, तो ये टैग्स को रीड करता है और अपने को स्टॉक लेने की जरूरत नहीं है, जिधर ये स्टॉक रखा गया है उधर सिर्फ ये घुमाने का। जैसे हम लोग मच्छर ये पकड़ने के लिए रैकेट रहते हैं ना, वो लेते हैं और मच्छर सब पकड़े जाते हैं, उसी तरह ये घुमाने का गुड्स के ऊपर से, तो उसकी कितनी क्वांटिटी है वो रिकॉर्ड की जाती है स्टॉक लेने के लिए। फिर ये है फ्लैश सेल। अभी फ्लैश सेल मतलब क्या है कि ये लिमिटेड ऑफर के लिए रखा है, ये 2 दिन में ये ऑफर है, 2 दिन के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं फ्लैश सेल। क्लोजली रिलेटेड टू डेली डील्स, हर एक दिन का जो हम लोग सेल करते हैं उससे रिलेट करता है। दिस टर्म रेफर्स टू अ सेल इवेंट, ये सेल इवेंट करके कहलाता है, दैट टेक प्लेस फॉर अ लिमिटेड टाइम, जो लिमिटेड टाइम के लिए रहता है कि समझो कुछ घंटों के लिए या 2 दिन के लिए। कंप्यूटर में हम लोग ने रखा है, देखा है कि मोबाइल अगर कुछ परचेज लेने जा रहे हो तो ये रहता है 2 दिन में परचेस करो तो ही आपको इतने में मिलेगा, तो वो क्या है, वो फ्लैश सेल है। फ्लैश सेल कांट लास्ट एनी वेयर फ्रॉम सेवरल हावर्स टू कपल ऑफ डेज, तो कुछ घंटों से 2 दिन तक ये रहता है, एंड एंटाइस कंज्यूमर विथ ह्यूज बार्गेन्स, तो वो कन्विंस करता है कस्टमर को कि तुमको ज़्यादा से ज़्यादा कम प्राइस में मिलेगा, 50% ऑफ में मिलेगा, तो ऐसा कन्विंस करता है कस्टमर्स को खरीदने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है पॉपअप स्टोर्स, ये छोटा स्टोर्स रहता है और जैसे हम लोग ने पिछले पॉइंट में देखा कम टाइम के लिए रहता है, तो पॉपअप स्टोर्स आर शॉर्ट टर्म शॉप्स और सेल्स स्पेसेस दैट कम एंड गो, वो आते हैं और ये चले जाते हैं, एंड गो विद इन अ गिवन पीरियड, जो दिया हुआ पीरियड में निकल जाते हैं। दिस स्टोर्स कैन बी सेटअप एट एम्प्टी रिटेल स्पेसेस, तो जो जगह एम्प्टी रहेगा उधर हम लोग उनको रखते हैं, मूल बूथ्स और इवन इन द मिडल ऑफ अ पार्क, पार्क के बीच में भी इसको रखा जाता है पॉपअप स्टोर्स। फिर ये है प्राइवेट लेबल, तो प्राइवेट लेबल क्या है कि ये मैन्युफैक्चरर अपना जो है रिलायंस कंपनी ये खुद नहीं बनाती, ये दूसरों के मैन्युफैक्चरर किया हुआ गुड्स को अपना लेबल लगाती है और बाद में बेचती है। दीज आर ब्रांड्स ओन नॉट बाय मैन्युफैक्चरर बट बाय रिटेलर और सप्लायर, रिटेलर एंड सप्लायर परचेज द गुड्स देन लेबल एंड मार्केट डेम अंडर देयर नेम, दूसरे के गुड्स को खुद का लेबल लगा के बेचना, तो इसको बोलते हैं प्राइवेट लेबल। फिर होलसेलर, अभी होलसेलर क्या करता है, रिटेलर को बेचता है ह्यूज क्वांटिटी में और रिटेलर अपने को कम क्वांटिटी में बेचता है। द होलसेलर विल सेल इज प्रोडक्ट इन बल्क क्वांटिटीज टू रिटेलर, रिटेलर को बल्क क्वांटिटीज में बेचेगा, अलाउिंग द रिटेलर टू टेक एडवांटेज ऑफ लोअर प्राइस, तो इससे क्या होता है थोड़ा जो प्राइस रहता है पर गुड का कम हो जाता है ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। द होलसेलर विल टिपिकली बाय गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर बट ऑल्सो बाय फ्रॉम अ रीसेलर, तो ऐसा नहीं है कि होलसेलर, कभी कभी होलसेलर के ऊपर प्रॉब्लम आ गया तो वो मैन्युफैक्चरर से भी परचेस करता है और कभी कभी रीसेलर से भी परचेस करता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, ये मैंने जो बताया ये बड़े बड़े गोडाउन से जिधर से माल स्टोर्स में जाता है या डायरेक्टली कस्टमर के पास जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन स्टोर इज़ अ वेयर हाउस और अ स्पेशलाइज बिल्डिंग दैट स्टोर्स अ सेट ऑफ गुड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिटेलर्स और डायरेक्टली टू द कस्टमर्स, तो जिधर से माल आइधर
कस्टमर के पास जा रहा है या स्टोर्स के पास जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। फिर नेक्स्ट है इम्पल्स परचेस। अभी इम्पल्स परचेस क्या है कि अपने माइंड में नहीं होता वो परचेस करना, लेकिन फिर भी हम लोग परचेस करते हैं, उसको बोलते हैं इम्पल्स परचेस। तो ऑल्सो कॉल्ड एन इम्पल्स बाय। दिस हैपन्स वेन अ कस्टमर मेक्स अ अनप्लान परचेस, मतलब उसमें मन में कुछ सोचा नहीं है परचेस करने के बारे में, ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस राइट बिफोर चेकिंग आउट अदर स्टोर्स। और ये ज़्यादा करके POS काउंटर के इधर रखा जाता है ताकि अपना अट्रैक्शन जाए। सम रिटेलर सेटअप स्मॉल आइटम्स अराउंड POS काउंटर, जैसे अपने को अभी ये स्निकर्स दिख रहे हैं तो आपको मन में आता है ये परचेस करूँ। लाइक अ ग्रॉसरी स्टोर्स मैगजीन रखता है, ग्रॉसरी स्टोर मैगजीन रखता है, कैंडी रखता है, ताकि अपने मन में आ जाता है इनके इनको परचेस करूँ करके, तो उसको क्या बोलते हैं इम्पल्स परचेस। फिर फिजिकल इन्वेंट्री, मतलब पूरे स्टोर्स की इन्वेंट्री लेना, तो उसको बोलते हैं मतलब काउंट करना कितना स्टॉक अपने पास है, बैलेंस है। अगर कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे तो क्लोजिंग स्टॉक पता रहेगा, ईयर एंड के दिन हम लोग ये स्टॉक काउंट करते हैं। फिजिकल इन्वेंट्री में भी मैंडेटेड, मतलब ये कंपलसरी है अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए और टैक्स रेगुलेशन के लिए। और द बिजनेस नीड टू काउंट इन्वेंट्री सो प्रोडक्ट्स कैन बी री स्टॉक, तो अगर फिर से अपने को स्टॉक एक्स्ट्रा रखना है तो इसके लिए भी हम लोग फिजिकल इन्वेंट्री लेते हैं, मतलब स्टॉक को काउंट करना इन शॉर्ट। नेक्स्ट पॉइंट है साइकिल काउंट। अभी साइकिल काउंट क्या रहता है कि एक पर्टिकुलर एरिया को डे वाइज हम लोग क्लासीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रॉसरी सेक्शन रहेगा तो उसको मंडे को काउंट करेंगे, अगर अपैरल रहेंगे तो ट्यूसडे को काउंट करेंगे। तो ऐसे हर एक डिपार्टमेंट का काउंटिंग का डे फिक्स होता है और वो डे फिर से आया तो फिर से उसका काउंट किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं साइकिल काउंट। साइकिल काउंट इज एन इन्वेंट्री ऑडिटिंग प्रोसीजर, ये इन्वेंट्री ऑडिटिंग प्रोसीजर है विच फॉल्स अंडर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आता है। वेयर अ स्मॉल सबसेट ऑफ इन्वेंट्री इन अ स्पेसिफिक लोकेशन इज काउंटेड ऑन अ स्पेसिफिक डे, तो एक डे डिसाइड किया जाता है कौन से दिन को काउंट करने का और उस दिन उसका काउंटिंग होता है। फिर स्टॉक टेक, तो स्टॉक टेक क्या है, जो गुड्स अच्छे कंडीशन में नहीं है उनको स्टॉक से निकाला जाता है, तो एक चेकिंग करना, मतलब गुड्स अच्छे कंडीशन में है कि नहीं उनका चेकिंग करना, मतलब स्टॉक टेक। स्टॉक टेक और इन्वेंट्री चेकिंग इज अ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द क्वांटिटी एंड कंडीशन ऑफ द आइटम्स हेल्ड इन एन वेयरहाउस और स्टोर्स, तो इसमें देखना है कि गुड्स कस्टमर्स को बेचने लायक है कि नहीं। दिस मे बी डन टू प्रोवाइड एन ऑडिट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक, ये क्यों किया जाता है एग्जिस्टिंग स्टॉक के ऑडिट करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो द सोर्स ऑफ स्टॉक डिस्क्रिपेंसी इंफॉर्मेशन, तो ये एक स्टॉक कम पड़ रहा है तो इसका इंफॉर्मेशन ढूंढने का भी साधन है। फिर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तो ये आप जब जॉब को लग जाओगे तब आपको ये सिखाया जाएगा, ये प्रोसीजर है जिससे अपने को ऑफिस में या स्टोर्स में काम करना है उसको बोलते हैं स्टोर्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इज अ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन कंप्लाइड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प वर्कर्स कैरी आउट कॉम्प्लेक्स रूटीन ऑपरेशन, तो जो डिफिकल्ट ऑपरेशन है वो कैसे करने के उनकी प्रोसीजर बताई जाती है। SOP एम्स टू अचीव एफिशंसी क्वालिटी आउटपुट एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस, तो ये SOP के वजह से क्या होता है अपने को एफिशंसी मिलती है, हम लोग क्वालिटी आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हैं, फिर परफॉर्मेंस में यूनिटी होती है। वाइल रिड्यूसिंग मिसकम्युनिकेशन एंड फेलियर टू कंप्लाई विथ इंडस्ट्रीज रेगुलेशन, तो उससे क्या होता है कुछ मिसकम्युनिकेशन नहीं होता है और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको हम लोग फॉलो करते हैं। फिर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, तो ये एक बोलते ना ये एक ये है मार्क है इसको अपने को अचीव करना है, माइलस्टोन हम लोग ने जो बोला था माइलस्टोन को अचीव करना, मतलब आपको एक टारगेट दिया जाएगा वो टारगेट को अगर आपने अचीव किया तो वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, उस टारगेट को की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बोलते हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर इज अ मेजरेबल वैल्यू
that demonstrate how effectively a store is achieving its key business objective. मतलब बोला जाएगा कि आपने 80% सेल किया तो वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, तो एक मेजरेबल वैल्यू है. ऑर्गेनाइजेशन यूज KPIs टू इवेल्यूएट देयर सक्सेस एट रीचिंग द टारगेट. तो अपना सक्सेस चेक करने के लिए ये KPI स्टोर्स के लोग यूज़ करते हैं. और ये पॉइंट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन यूनिट. तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन यूनिट मतलब क्या रहता है, किस फॉर्म में मैनेजमेंट को आपको इंफॉर्मेशन देना है. MIS इज अ प्लान सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग सॉर्टिंग एंड डिसमिनेटिंग, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स नीडेड टू कैरी आउट द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट. तो किस तरह से डेटा को अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है और दूसरे फंक्शंस के लिए लगता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. ठीक है, तो ये लास्ट पॉइंट है. अभी आप लोग क्या करो, ये इधर तक मैंने जो पढ़ा है एक बार पढ़ के लो. ठीक है, तो अभी 11:22 हो गए, हम लोग क्या करते हैं एक 10 मिनट पढ़ो, और मैं 11:35 को स्टार्ट करते हैं. कुछ डाउट्स रहेगा तो मुझे पूछो, मैं आपके डाउट सॉल्व करूँगा. तो सभी सब कुछ आपको मैंने नोट्स में दिया है, नोट्स रेफर करो, उनको पढ़ो. कुछ डाउट्स रहेगा तो ये चैट बॉक्स पे लिखो. ठीक है, नवीन बैचेस चालू आले ना त्याच्यामुळे. संध्याकाळी 6:00 नंतर
ठीक है, किसको कोई डाउट्स है? स्क्रीन नहीं आ रहे, पढ़ा क्या आपने? डाउट्स है कुछ? डाउट्स रहेगा तो पूछ लो। आया स्क्रीन? डाउट्स पूछ लो, क्या क्या डाउट्स है? डाउट्स नहीं है किसको? ख़त्म कर दे मीटिंग। ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं सेम टाइम को। और कल ये रेडी करके आना, एक बार लेफ्ट मत हो जाओ, फोटो निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग ख़त्म करते हैं, कल सेम टाइम पे आएगा।